पूर्ण होने पर जो विजय दशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल है। एक शमी का पत्र, परंतु कौश्य से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है, गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने लगता है। नी परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, कौश गया तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं आपके। राजा रघु ने कहा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं। राजा रघु ने कहा, पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूँ। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूँ। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु, इंद्र पर आक्रमण कर रहे, इंद्र लोक आ रहे हैं, क्या करा जाए, एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसलिए लेकर जा रहा है उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। हाँ, 14 करोड़। हाँ, क्या करें। इंद्र से कहा, राजा रघु यहाँ पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कौश को दे दिया। कौश, ये शमी का पत्ता है। कौश ने कहा, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा। 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा। तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कौश से कहा कि ये बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कौश ने दिया। कौश ने जैसे ही दिया, बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, बर्तंतु मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजय दशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल है। एक शमी का पत्र, आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन, लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों, आप अपने बच्चे उन आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ
ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? समी का पत्ता दे हो, समी का पत्ता ले हो, मिलने जाओ तो समी का पत्ता। समी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्या होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है, और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उसपे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं है। शमी पत्र की मूलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो, हर हर महादेव। तो आज के इस वीडियो में आपने सुना कि गुरुजी ने बताया एक शमी पत्र का महत्व। तो विजयदशमी के दिन आप भी ये शमी पत्र का उपाय अवश्य ही करें, भोले बाबा को जरूर ही शमी पत्र चढ़ाएं, जिससे कि आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।